नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में चर्चा करेंगे सब्सक्राइबर्स की मांग पर ग्रुप में जो स्टॉक प्रोवाइड किया है सब्सक्राइबर्स यानी व्यूअर्स ने, उन सभी स्टॉक की जो टेक्निकल आउटलुक अप टर्न लेवल डाउन टर्न लेवल उस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स स्टॉक होल्ड करके रखे हैं तो कोई अगले दिन खरीदेगा, सबकी अलग अलग डिसीजन है, तो मैं उन सभी स्टॉक के ऊपर चर्चा करूंगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, ये वीडियो मैं एडुकेशन पर्पज़ बनाता हूं और जो भी टेक्निकली आउटलुक जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करूंगा मेरी खुद की रिसर्च से, अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी से ट्रेड करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, मुझसे हर तरीके से सहायता मिलेगी, मैं हर तरीके से आप लोगों को सहायता करूँगा। और एक ही ट्रेड में अगर आप 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का भी बाय सेल करते हैं तो बाय का 20 सेल का 20 टोटल देना है 40 रुपये, यानी फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज। अगर आप डिलीवरी होल्ड करके रखते हैं एक साल दो साल के लिए, पाँच दिन के लिए, दस दिन के लिए, एक दिन के लिए, तो आपका चार्जेस रहेगा ज़ीरो, यानी डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो। तो चलिए अब हम बात करेंगे पहले NCC। फ्रेंड्स, NCC के बारे में पहले जानकारी देना चाहता हूँ, NCC अभी मिडल बुलिश पे है, स्ट्रांगली बुलिश है हम कह नहीं सकते क्योंकि ये मिडल बुलिश है। एक ही ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड करते हुए आज नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज हुआ है, 30 डेज़ की जो क्लोजिंग प्राइस की जो रेजिस्टेंस है उसके पास क्लोज हुआ है। अगले दिन अगर इस लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं तो हम ऊपर की तरफ उछाल देख सकते हैं, लेकिन आगे हमें और एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो है 50 डेज़ की क्लोजिंग प्राइस। नीचे हमें एक सपोर्ट भी मिल रहा है, तो चलिए उसका अपटर्न लेवल और डाउन टर्न लेवल देख लेते हैं। 101.50 पे क्लोज हुआ है, अगर ये 103 के ऊपर सस्टेंस करते हैं फ्रेंड्स तो हम लेवल देख सकते हैं 105 एंड 109 का। डाउन टर्न लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 99 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम लेवल देख सकते हैं 97 और 93 का। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल का जो कंडीशन है, ये ओवरऑल सेलिंग पोजिशन पर है अभी, क्योंकि पिछले दो कैंडल बियरिश कैंडल हैं और तीसरे और चौथे कैंडल की ओपन प्राइस के नीचे ही ट्रेड करते हुए ओपन प्राइस के नीचे ही क्लोज हुआ है और नज़दीकी रेजिस्टेंस लेवल के सपोर्ट लेवल के पास क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल ये सेलिंग पोजीशन पे है, लेकिन उसका लेवल नोट कर लीजिए आप लोग। अपटर्न लेवल अगर ये 84 के ऊपर सस्टेंस करते हैं, नियर अबाउट 84.50, तो हम ऊपर की तरफ लेवल देख सकते हैं 86 और 88। डाउन टर्न लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 81 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो हम लेवल देख सकते हैं 75 एंड 78। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉन्ड फार्मा का जो कंडीशन है, ये ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है, क्योंकि लास्ट जो कैंडल है बियरिश कैंडल है और पिछले कैंडल की ओपन प्राइस के नीचे क्लोज हुआ है और पिछले कैंडल भी बियरिश कैंडल है और लगातार तीन बियरिश कैंडल अप ट्रेंड से रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए 30 डेज और 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक डाउन किया और नज़दीकी सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करते हुए क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल ये सेलिंग पोजीशन पे है, चलिए उसका लेवल देख लेते हैं। 1484.95 पे क्लोज हुआ शायद, हाँ, अगर ये 1472 के नीचे सस्टेंस करते हैं या फिर 1475, तो हम लेवल देख सकते हैं 1460 एंड 1450। अपटर्न लेवल नोट कर लीजिए, अगर ये 1498 के ऊपर सस्टेंस करते हैं 1498, तो ऊपर की लेवल देख सकते हैं हम 1515 एंड 1535। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलिप कार्बन, इससे पहले और एक जानकारी देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरी पेड सर्विस भी हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे मेरी पेड सर्विस है, तो इस मान से जो भी मेरी पेड सर्विस लेना चाहेंगे मंथली 3000 और ऑल टाइम अगर मेरे साथ वर्क करती है तो 3000 ही रहेगा पर मंथ, लेकिन अगर अगले मंथ जो भी पैकेज लेना चाहेंगे यानी पेड क्लाइंट बनना चाहेंगे उन लोगों को 5000 पे करना पड़ेगा, लेकिन इस मंथ से जो भी मेरे पेड सर्विस लेना चाहेंगे ले सकते हैं, मंथली चार्जेस
3000 एंड ऑल टाइम के लिए 3000 डेली फोर कॉल प्रोवाइड करता हूँ 90% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए फिलिप कार्बन का जो कंडीशन है अभी ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है 150 डेज 30 डेज की क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकडाउन करते हुए सपोर्ट लेवल को भी ब्रेकडाउन किया और अभी ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे है। तो चलिए 221.50 पे क्लोज हुआ उसका लेवल देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड लेवल अगर 217 के नीचे अगर सस्टेंस करते हैं तो हम लेवल देख सकते हैं 215 एंड 210। अप ट्रेंड लेवल नोट कर लीजिए अगर ये 224.50 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम ऊपर के लेवल देख सकते हैं 226 एंड 228। अंबुजा सीमेंट जो है ओवरऑल बाइंग पोजीशन पे है। काफ़ी गिरावट आई थी स्टॉक में और लगातार आप लोग सिर्फ बियरिश कैंडल ही दिख रहे होंगे, सिर्फ बियरिश कैंडल, बीच बीच में बुलिश कैंडल। अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड से एक डाउन ट्रेंड रैली ख़त्म करके एक अप ट्रेंड की रैली स्टार्ट किया है और रेजिस्टेंस लेवल को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए 30 डेज और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल को भी पॉजिटिव ब्रेकआउट करके सेकंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है और नज़दीकी 50 डेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हुए नज़दीकी 50 डेज लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ है और ओवरऑल बाइंग पोजिशन पर है। उसका लेवल नोट कर लीजिए अगर ये 203 के ऊपर सस्टेंस करते हैं तो हम लेवल देख सकते हैं 205.50 एंड 208। डाउन टर्न लेवल नोट कर लीजिए अगर ये 199 के नीचे सस्टेंस करते हैं तो फ्रेंड्स इसका हम लेवल देख सकते हैं नीचे 195 एंड 193। नेक्स्ट हम बात करेंगे SFCL ओवरऑल बाइंग पोजीशन पे है। 34.80 का स्टॉक है, बहुत ही छोटे स्टॉक है, ऊपर के लेवल आप लेके चलते के चल सकते हैं 36 और नीचे की लेवल 30 एंड 28। लुपिन जो है ओवरऑल सेलिंग पोजीशन पे हैं और अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है और आज बहुत कोशिश किया, एक बुलिश कैंडल लेके क्लोज हुआ, कोशिश की कि रेजिस्टेंस लेवल और 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस को पॉजिटिव ब्रेकआउट करने की कोशिश की और पॉजिटिव ब्रेकआउट किया था लेकिन फाइनली क्लोज हुआ 50 डेज के नीचे। तो हम कह नहीं सकते कि ओवरऑल सेलिंग पोजिशन पर या फिर ओवरऑल बाइंग पोजिशन पर है, मेनली बुलिश कह सकते हैं, ठीक है। उसका लेवल नोट कर लीजिए अगर ये 905 के ऊपर सस्टेंस करते तो हम लेवल देख सकते हैं 910 एंड 918। डाउन टर्न लेवल नोट कर लीजिए अगर ये 895 के नीचे सस्टेंस करते हैं अराउंड 892 तो हम लेवल देख सकते हैं 885 एंड 880। ओके फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना सही, हमें आशा है आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी लेके ट्रेड कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखे होंगे बीच में एक कॉल आ गया था, तो ऐसे आप लोग अगर कॉल करेंगे तो मैं वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि जब भी आप लोग कॉल करते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाती है। तो आइंदा से आप लोग कॉल मत कीजिए, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कीजिए, यानी व्हाट्सअप में कॉल मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है उस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।